हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क गर्ल रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग रियली गुड, एंजॉय कर रहे हैं और मज़े में हैं। और रिएक्शन करने लगी हूं अभी मैं, एल्विश यादव 1001 1001 गाड़ियां आएंगी क्या गुड़गांव। सो कल है एल्विश का मीटअप, क्योंकि कल शायद उसने अपने गुड़गांव में वापस जाना है और ऐसा हो नहीं सकता कि लोग उसको वेलकम ना करें। वहाँ पर ट्रॉफ़ी जा रही है बिग बॉस की और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहते हैं ना क्या वर्ड है, छक्का जाम होगा एल्विश के जाने पर। वहाँ पर जो है वो सब कुछ रोड्स वगैरह ब्लॉक होने वाली हैं। सो कल मीटअप कैसा होगा वो ज़रूर उस पर रिएक्शन करूँगी, ज़रूर देखूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो एल्विश का ब्लॉग है जिसमें देखते हैं क्या तैयारियाँ चल रही है मीटअप की और लोग भी कितने एक्साइटेड हैं और एल्विश का क्या कहना है इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सजेस्ट कीजिए मज़ीद किस पर रिएक्शन करूँ। सो लेट्स प्ले द वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है भाई होटल में, वो मेरे तो सही लग रहा हूँ यार। हमेशा चमका मारा तू सोरे। कहाँ चमका मारू, सो कहाँ चमका मार रहा है। सारे फोन आए भाई पीछे आता है यार। यार सोने को भी मिला के करें। मैं सो के अब उठा, मैंने चेक करा इतने। हाँ मैंने सुना था एल्विश का इंस्टाग्राम भी हैंग हो गया, उसका व्हाट्सएप भी हैंग हो गया। 92-93 रूम नंबर है। हम भाई मेरे पीछे भाई अंडमान में इतने बड़े बड़े पेड़ है क्या ऋषिकेश। तू पहली बार आया का अंडमान? अंडमान ना भाई, दूसरे वाले आइलैंड में था, मेरा सैड वाला था पिछली बारी। हमने गाइस पूरा आइलैंड ले रखा है अंडमान पे। अंडमान पे हम इसलिए आ रखे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस है, केले के छिलके लगा के आगे अगले बार बिग बॉस में चलेगी। अच्छा कैसे करेगा वो, कौन सा भाई? गाइस इसने एक हुकअप स्टेप याद किया है। मैं ऐसे पकड़ना, मैं करके दिखाऊंगा। 3 स्टेप याद करे मैंने हुकअप स्टेप। भाई ये कर रहे हैं तुम्हारे, अरे इधर 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 हो जाओ पीछे का जाएगा। 3 स्टेप मैंने याद करे हैं और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता और मैं इसको किसी भी गाने पे कर सकता हूं। हर गाने में मतलब कॉपी पेस्ट, ठीक है। वो स्टेप है, आप लोग भी सीख सकते हो स्टेप को। वो ये है 1 2 3 4 5 6 7। ये बिग बॉस के गाने में सीखे थे ना उसने। 4 5 6 7। ओह शिट। तो गाइस कोरियोग्राफी सीखनी है एल्विश यादव से तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मैंने भाई अपनी डांस क्लास खोल रहा हूँ बहुत जल्दी, तो जिसको अच्छा 3 स्टेप सीख के डांस क्लास खोलने लगा है। सिखा दूंगा। क्या तगड़ा मौसम हो रहा, पेट में दर्द हो रहा भाई, भूख लग रही है। कुछ खुवा दो भाई, कुछ खुवा दो यार। हेलो कुछ खिवा दो भाई। बिग बॉस के खाने में और यहाँ के खाने में तो बहुत फर्क है ना। यहाँ पे आती है हो गया सारा तबियत सी खराब की, पेट में दर्द। आदत नहीं ना, प्राउड चाहिए। महिमा रानी के, उसका क्या नाम? मनीषा रानी के। मनीषा रानी का पार्ट है मिस। मैं कह रहा हूँ भाई कुछ मंगा दो खाने का यार। क्या खाने बता? वो देता हूँ कुछ भी वेज। आपने आप नहीं खा रहे कुछ? तो आलू प्याज के पराठे खाएंगे मेरे। तो भैंस के पराठे की लत लगी है गाइस, उसको ना पराठे की कितनी लत लगी है। अच्छा बिग बॉस में जाके पराठे खा खा के ना उसको आदत पड़ गई है। जिया, मनीषा, बेबी का नहीं निकला है पराठे कभी। इन दोनों के पराठों की याद आ रही है। थैंक यू जिया, थैंक यू मनीषा। भाई मंगा देना, उसको बोलना थोड़ा स्पाइसी रखना और पतले रखना और बस बढ़िया रहे। मैं यहाँ के पराठे ना, पराठे। हैप्पी बर्थडे भाई को। थैंक यू भाई। किसका बर्थडे है? ओ तेरा ना, तूने एक नाम क्या रख रखा है? ऐसा ही सिस्टम है हमारा। हैप्पी बर्थडे पार्टी कहाँ है? 8:30 आके देता हूँ। क्या चीज? अच्छा हाँ ठीक है, पार्टी दे दी। हाय माय न्यू फ्रेंड। हाय। वाओ उसकी आईज कितनी अच्छी है यार, कितनी डिफरेंट है। रंग बिरंगा तो ना है तो यो। ओह शिवा। लो भाई चैंपियन फिर से। ये वही शर्ट है ना जो एंट्री में पहनी थी उसने बिग बॉस की। भाई ऐसा लग रहा है कि मेरे से गाड़ी ठुक जाएगी, कसम से मुझे ऐसा। इसलिए मैं इतनी देर के बाद वो चला रहा है। होपलेस नहीं हो रहा, जो वो वाला आदत थी ना कि गाड़ी नाप रखी है मैंने कि 30 दिन घर के अंदर नो गाड़ी, बाहर आके भी गाड़ी के पीछे ही। अब चला के काफी ऐसा लग रहा कि वाह क्या यंत्र बनाया है ह्यूमन बीइंग्स ने। वाह साइंस ने कितनी तरक्की वो करी है। किसी दूसरे प्लेनेट से आया उसको ऐसे लग रहा होगा। गाड़ी चलाना जो मेरा वो था, क्या कहते हैं उसको, बाहर निकलने की टू डू लिस्ट नहीं, मतलब जो मेरा मेन था कि मैं गाड़ी ज्यादा चलाता हूँ ना, गाड़ी चलाने मुझे मजा आता, वो छूट गई। अब चला के ऐसा लग रहा वाह यार प्रैक्टिस छूट गई, ग्रिप नहीं रही। एक चीज मुझे पब्लिक को भी बोलना चाहूँगा मैं, और आप भी समझोगे इस वाली बात को जो मैं भी बोलूँगा, कि चीज़ों की कदर आपको तब होती है जब वो आपसे दूर हो जाती है। समझ रहे हो? अब बहुत सारी चीज़ें मेरे से दूर थी और बहुत कदर हुई मेरे को उन चीज़ों की, खास करके जैसे घर वालों इंसानों का भी यही होता है। बातें बोली अंदर बिग बॉस में कि घर वालों से मैं इतनी इंटरेक्शन नहीं था क्योंकि मैं काम में ज्यादा बिजी था, पैसे कमाने में ज्यादा बिजी था। अब कदर हो गई है, वैल्यू क्या होती है घर वालों की। गाड़ी में इतनी चलाता था, गाड़ी दूर हो गई। और भी मेरे काफी रिश्ते नाते जिनकी मैं उतनी वो नहीं रखता था कि यार ये तो है ही, जो ये वाली सोच होती है ये तो है ही, ये कहाँ जाएंगे। बट उनकी एक वैल्यू होती, कदर होती है। तो मेरे को अब जैसे गाड़ी की कदर हो रही है यार, ज्यादा कदर हो रही है। इतने दिन बाद चलाई कि वाह मैं गाड़ी चलाता था, ये वाली कितना मजा आ रहा। भाइयों मैं खुद चला रहा था, सच बताऊं इसने मेरे से गाड़ी की चाबी छीनी कि भाई अब तो चलाने दो, अब तो कोई नहीं देख रहा, अब तो प्रोटोकॉल भूल जाओ। प्रोटोकॉल को हम प्रोटोकॉल में अटके हुए थे। आज हमें एक नई चीज भी सीखने को मिली कि कई लोगों का सिस्टम होता है, कई लोगों का प्रोटोकॉल। तो अब हमारे ग्रुप में एक प्रोटोकॉल भी जुड़ने वाला है सून। प्रोटोकॉल से चला करेंगे हम वेरी सून। भाई वाह यार, ट्रैफिक लाइट्स का रूल फॉलो कर। पहले कभी रुका है ऐसी बत्तियों पे? तुम क्यों नहीं रुका भाई? हर भाई आई फॉलो रूल्स। ये देखो बेल्ट लगी हुई, सारी चीजें लगी हुई भाई। नाइस नाइस। और आप कहोगे तो मैं ये मास्क भी लगा लूंगा, बट गाड़ी दूसरी है। दिस इज नॉट 0001, दिस इज कोई रैंडम गाड़ी, बट है फॉर्च्यूनर वही सेम। तो इसलिए हमने थोड़ा लो की होके, समझ रहे हो ना। चलो जी चलो। ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक से भाग रहा हूँ, मैं पब्लिक से मिलना नहीं चाहता। हमारा अभी परसों इवेंट भी है, बता दूं इसी वाले ब्लॉग में? बता दो भाई। इवेंट है हमारा, कल हो रहा है। मैं सभी लोगों का आभारी हूँ जो जब मैं नहीं था अंदर था घर में, तब कितने सारे लोग आए थे मेरे सपोर्ट में। तो अब मैं हूँ तो मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। तो हमारे भाई हिंदी सुधर की अभिनंदन क्या होता है? अभिनंदन करना चाहता हूँ, और उस समारोह का नाम भी अभिनंदन ही है कि मैं सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ूं। और जितना उन्होंने मेरे को दिया उसका वैसे मैं उतना वापस दे नहीं सकता, बट जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं उतना करूँगा। और होपफुली जल्दी मिलेंगे। परसों इवेंट है हमारा गुड़गांव के अंदर ताऊ देवी लाल स्टेडियम में। इन शॉर्ट ये जो कई लोगों की शिकायतें थी भाइयों कि भाई ये इतना बड़ा आदमी हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है, या डीएम तो अभी भी नहीं खुले, डीएम इसके अभी भी नहीं खुले इसके डीएम। और फिर कई लोगों की शिकायतें थी। और एक और चीज़ भाई, जो मेरे अपने भी लोग हैं, मेरे पे दो फ़ोन है, जिनको पता है जिनको नहीं पता है कि फ़ोन है या नहीं है। तो जो मेरा मेन फ़ोन था जिसपे सब लोग कॉल करते थे भाई, वो नंबर पे मैं खुद एक्सेस नहीं है मेरे पे, मतलब अलग, क्योंकि बज रहा मैसेज बज रहा है, वो हो ही नहीं पा रहा कि एक इंसान को मैं रिप्लाई कर सकूं। अच्छा ये पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही। मैं हट गई तो दुनिया पब्लिक अपोलॉजी करती है, पब्लिकली थैंक यू बोलेगा सबको। मतलब ही विल कम ऑन स्टेज ऑन 19th ऑफ दिस मंथ, 19 तारीख को स्टेज पे आएगा और सबसे हाथ जोड़ेगा, मतलब थैंक यू बोलेगा। माफी नहीं, थैंक माफी तो मांगे मैं मनीषा सर से। कई लोगों की वो है भाई, क्या चीज कि यार एल्विश ने सबका वो शुक्रिया किया, मनीषा का नहीं किया तूने। अगर एक अभी तक उन्होंने एक दूसरे को फॉलो भी नहीं किया। सर इंटरव्यूज नहीं देखे जिसमें पूछ रहे हैं कि मनीषा कैसी लगती है, कि मैंने हर बार बोला मनीषा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसका नंबर मेरे पे व्हाट्सएप का आया, आशिका ने मुझे दिया, मैंने उसको मैसेज भी करे, उसका एक तो कॉल नहीं लग रहा, ऊपर से मैसेज डिलीवर अभी मैंने चेक करानी, क्योंकि वो वाला फ़ोन जो मेन था उसमें है मेरा व्हाट्सएप, उससे डिलीवर नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। फिर मैं थोड़ा मतलब मैंने देखा कि यार उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट शी इज़ अ वेरी गुड, हर कोई बिजी चल रहा है अभी। आई रिस्पेक्ट हर, उसने बहुत साथ दिया मेरा अंदर। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी की बेइज्जती करी। बेइज्जती अगर करनी होगी ना तो मेरा एक रूप दूसरा भी है जो भगवान ना करे मैं कभी किसी को दिखाऊँ, पर कोई दिल से किसी को हेट नहीं भाई। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेट ना फैलाई जाए इतने % भी, क्योंकि नेगेटिविटी से अब मैं बहुत दूर आ गया। मैं डिटॉक्स हूं यार। कल से तो क्या नाम दुनिया पता नहीं नेगेटिव पीआर करा रही कि भैया वो तो मेरे पे कई स्क्रीनशॉट्स भी हैं कि बिग बॉस के बाद से हर तरह के लोग सामने आए हैं। वैसे मुझे अच्छी तरह याद है। अब मुझे अपना भाईचारा प्रूव करने के लिए क्या मैं मटेरियलिस्टिक चीजें करूं कि फोटो दिखानी पड़ेगी भाई लोगों को यार, तभी तसल्ली होती है लोगों को। मैंने एक रीज़न, ऑब्वियस रीज़न जो मैं बता नहीं सकता, जिस वजह से मैं नहीं जा पाया था और मैं बाहर नहीं घूम सकता था, बहुत छुप के मेरे को घूमना पड़ रहा था। वो एक ऑब्वियस रीज़न था बहुत बड़ा, जो कि मैं पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और मैंने कुछ इशारा दिया भी, काफी लोग समझ गए होंगे वैसा कौन सा रीज़न था। अगर समझ आई है तो जरूर बताना कि मिलने गए नहीं गए। क्या हम समझ सकते हैं कि फुकरा भाई भी आएगा हमारे उसमें थैंक यू अभिनंदन समारोह में? अभिनंदन समारोह में बिल्कुल इन्वाइट करेंगे, पर उनकी तबीयत उतनी शायद अभी ठीक नहीं हुई। अच्छा गुड़गांव में है तो पता नहीं आएंगे या नहीं। I don't know, ये कोई पॉडकास्ट थोड़ी। I'll invite everybody, but इधर जाना था। I'll invite everybody, but देखते हैं। उन पे भाई सब बिजी हो गए अपनी लाइफ में वापस, अगर क्या पता उनके पास उतना टाइम ना हो। मुझे लगता है बेबी का तो आएगी। तो गाइस 19 तारीख को इसी शनिवार को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक अभिनंदन समारोह होगा। हर एक बंदे का मतलब वहाँ स्टेज पे खड़े होकर सारे भाई हाथ जोड़ेंगे, शुक्रिया करेंगे भाई की तरफ से। शुक्रिया भाई, ही वॉज ओवरवेल्म्ड। इतना प्यार दे के इसको यकीन नहीं हुआ कि भैंस की आंख एल्विश आर्मी इतना बड़ा काम कर सकती है। और एक और चीज भाई, इंस्टाग्राम पे ना एक तो रील्स बंद नहीं हो रही, जब मैं देख रहा हूँ इतनी प्यारी एडिट, हर मेरे डायलॉग की, हर जो भी चीजें हुई अंदर उसकी इतनी प्यारी प्यारी एडिट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी भाई, इतना सिस्टम मुझे था ये सिस्टम बट इतना अब सिस्टम इतना हैंग हो गया कि उसके मोबाइल्स भी हैंग हो गए। प्रोटोकॉल भी भाई, अब प्रोटोकॉल भी जुड़ेगा थोड़े दिनों में गाइस। तो जिन जिन की शिकायतें हैं उनसे बस यही बात है कि भाई पब्लिकली आके सबसे सबका शुक्रगुजार होगा एल्विश, सबसे थैंक यू बोलेगा, जितने भी हमारे एल्विश आर्मी से लेके बड़े बड़े स्टार से लेके भाइयों से लेके जिसने भी मतलब हमारे फेवर में जो भी साथ खड़ा था सबका अभिनंदन करेगा उस दिन। तो प्लीज आप सबका नोता इसी अच्छा अभिनंदन का मतलब है थैंक यू। पंचायती नोता देते हैं, पंचायती नोता सारे गांव भाई, 36 गांव 36 बिरादरी मेरे सारे भाई आओ, और सारे भाइयों तो मिलेंगे अपने, वैसे बैठना तो पर्सनली मुश्किल हो पाएगा, वो बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा तब हो पाएगा पर्सनल वाला तो। बट सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग आओ और सारे भाई इकट्ठे, जितने लोग हमारी इकट्ठी, यूनिटी इज द पावर यू नो भाई। करने को देखो 1000 गाड़ी नहीं, काफी ज्यादा भी गाड़ी हो सकती है, क्योंकि मैंने अच्छा पता नहीं अब 1000 होगी या नहीं। सपोर्ट करा नहीं कि इतने भी सपोर्ट करा, पीछे रैली निकाली है अपने नाम की, और भी हर जगह रैलीज और 1000 गाड़ी, मतलब सबका ऐसा हो जाता ना कि अपना भाई है, अपने भाई ने कह दिया एक बार कि 1000 गाड़ी का मतलब 1000 गाड़ी जाएगी तो जाएगी। और आ भी जाते अगर मैं और बोलता ना कि भाई मुझे चाहिए, तो मुझे ये पता है कि मेरे भाईचारे में इतना दम है और मेरे भाई इतना दम कम रखते हैं कि वो 1000 गाड़ी नहीं 1 लाख एक गाड़ी भी कहता ना मैं तो भी ले आते हुए। बट मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैंने उस टाइम मजाक में बोला था, बट अगर सीरियसली नोट पे पूछा जाए और सोचा जाए तो 1 मिनट अपना ही कहाँ गए 1000 गाड़ी में तो जगह नहीं बचेगी, वो तो वाकई में रोड ब्लॉक हो जाएंगे, तो मुझे लगता है पुलिस करने नहीं देगी ऐसा। तो इसको अगर सीरियसली सोचा जाए तो भाई बहुत सारी चीज़ें निकल के आती, कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, ट्रैफिक में फंस जाए और हमारे चक्कर में किसी के कुछ हो ना जाए, तो भाई वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता। भाई समझदार हो गया हमारा भाई तो वहां जाके बिग बॉस समझदार था मैं पहले से, तो वो पाप मैं अपने सर पे नहीं ढो सकता। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाए तो मैं प्लीज अवॉइड करूंगा उस 1000 एक गाड़ी को, और मुझे पता मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। बट सो सॉरी गाइस, मुझे लगता है बाइक्स कर लो, बाइक्स भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी लोग मिला के ही यार ये पूजा ताई ने वो क्या है क्या समझाएगा तुम्हें इतना क्या कहाँ जाने इधर जाना पहले तो बताओ। आगे से ले लेंगे हम, आगे से लेफ्ट ले लेंगे भाई। पब्लिक इस वाली गाड़ी में भी पहचान रही है मुझे तो इतना समझदार कैसे हो गया, मतलब ये तूने अपने आप को डिटॉक्स कर लिया क्या 1 महीने में? मैं भाई 1 महीना सब चीजों से दूर हो गया ना, बिग बॉस में जाके सब समझदार जरूर होते हैं। अकेला बैठ जाता था भाई, अकेले बैठ के ना, कभी अकेले बैठना आप और अपने आप से बातें जब करते ना तब ज्यादा चीजें समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम है, आप इतनी खुद ओवरथिंकिंग करते हो, वो चीजें समझ आती जब कोई बात नहीं करने को और खाली बस एक कोना मिलता ना कि कुछ कर नहीं सकते, तो अपने आप से बातें निकल के आती है कि तुम खुद क्या हो। तो वो चीजें मैंने समझी अपने आप के बारे में, इसका इनर सेल्फ, अंदर की आत्मा जाग गई गाइस। करेक्ट, इनर मेरी अंतरात्मा, अंतरात्मा जाग गई। जब मैप खोलो भाई, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट पहुंच गए, चलो डन सीन गाइस, सी यू। ओके जी, और अभी हमारे बीपराग पाजी और प्रिंस नरूला भाई जी वो भी आने वाले हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई सब। अच्छा मतलब प्रिंस फुकरा साहब से मिलने भी गया था। हां नहीं तो अभी पाजी आ रहे हैं, दोनों भाई शायद पहुंच गए होंगे होटल पीछे से मिलवाएंगे। और मुझे पता था कि वो भी आ रहे हैं, मैं चाहता हूं यार बीपराग पाजी को ना, आई लव हिज सिंगिंग यार। पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो ये समझो वो यार का सताया हुआ है। अब भाई क्या तगड़ा गाना, वो सुनना चाहता हूँ लाइव। सारे गाने तगड़े हैं, हमारे साथ 2 आ रखे हैं ऐसे बंदे भाई, तो हमारे स्टार आदमी हैं। 4 भाई ने रिकॉर्ड, और किसी ने नहीं बना, किसी के पास नहीं आने वाले रिकॉर्ड कि 4 रियलिटी शोज लाइन टू लाइन भाई ने जीते हैं। और हमारे बिग बॉस में मैं भी हो गया, बट भाई ने 5 गुना ज़्यादा 150 दिन अपने 30 थे, भाई के 150 थे। बट भाई वहाँ पर सर्वाइव करना इज़ वेरी हार्ड, हैट्स ऑफ टू यू, आपने सर्वाइव करा और जीते भी। अरे मैं तो 30 दिन वाला जीता हूँ यार, 150 वाला भी जीतेंगे कभी। अगला फिर क्या आ रहा है भाई? नहीं, हम हैं उसमें कुछ छोटा मोटा बैकग्राउंड आर्टिस्ट कुछ है। डन भाई, और हमारे साथ प्रिंस का भी एक सिस्टम सॉन्ग आ जाए एल्विश के साथ। जी भाई, और कौन सा गाना हुआ अपना रिलीज? हाँ, उसका पहला मैंने सुना नहीं अभी दूसरा वाला, बट पहला भाई ने भी लाइव सुनाया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं इतना व्यस्त हो गया उसमें, लीन हो गया जी। तो भाई ये एक लाइव सुना दो, नहीं दूसरा वाला सुना दो। दूसरा वाला जो भी आया, हाँ जो आज रिलीज हुआ है। ये बीपड़ाग तो नहीं है। ओ किन्ना जोर लगया सी मेरा तेनू पाण लई, किन्नियां ही मंगियां दुआवां तेरे होण लई, मैनू पता तेनू बड़ी सौखी नींद आउंदी आ, किन्ना कुछ करना पैंदा है सानू सोण लई, किन्ना कुछ छड्ड हाय रड़कण लई। नाइस। ना दिल रिहा ना तेना तड़कण रही है, चाबी ना दिती तू ओए नु तड़कण लई है। लिरिक्स अच्छे है। तेना तड़कण रही, चाबी ना दिती तू ओए नु तड़कण लई। पुराने भी जोड़ दे। दिल दा की बनूंगा, ये कहता है कि दिल दा की बनूंगा, वो दिल दा की बनूंगा जिड़ा मेरे कोले आ, तड़कूगा किवें ओ चाबी तेरे कोले। वाह 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 यार भाई, बहुत टैलेंटेड हो भाई आप। मजाक से भाई, पंजाब से बहुत बहुत मुबारक आपको। और अरे धन्यवाद भाई, पूरा नहीं लिखा बट जब उसी आई उसके बाद मेरे सामने वैसे ही चल रही। भाई वाह यार भाई, अच्छा लगा यार तुम्हारे मुंह से मस्त पंजाबी सुन के ना बहुत बढ़िया। ये भाई बहुत आगे जाओगे अभी, और गाने निकालो मस्त मस्त। मैंने सुने अभी एक तो भाई सुना होगा बट मेरा ध्यान नहीं। वैसे प्रिंस की अच्छी बात है कि वो सबका साथ देता है, जैसे उसने मुनव्वर का भी काफी साथ दिया था, उसके साथ उसकी अच्छी वाली दोस्ती भी हो गई थी। भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू, मजा आ गया। तू कब जाएगा उते गुद्दी पे मारे तैड़ पैर। हमारा तो सोने का उठने का टाइम ही ना पता लग रही भाई, कुछ पता ना लग रहा। तो पहले इस वाले ब्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे, फिर आगे का कुछ देखेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अच्छा, नींद से उठ के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो देखते हैं कि अब जो मीटअप होने वाला है कैसा होता है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा मीटअप, बड़ा वाला होने वाला है और काफ़ी लोग जाएंगे जो कि जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। आर्मी तो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो आई थिंक लाइक कुछ सिंगर्स हैं या कुछ जैसे प्रिंस है, तो इस तरह के भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आई थिंक जाएंगे। लेट्स सी बिग बॉस में से कौन कौन जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कोई जाएगा, बिकॉज सबकी इतना बिजी दिन चल रहे हैं आजकल कि उनको एक दूसरे को रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो लगता है कि बहुत ग्रैंड, अभी तक का सबसे ग्रैंड मीटअप होगा, क्योंकि वो वाला मीटअप जिसमें एल्विश था भी नहीं वो इतना बड़ा हो गया था, तो इसमें तो एल्विश खुद है। सो लेट्स सी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।